नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का एक वीडियो बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है और ये भावुक कर देने वाला क्षण है। तो पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है। तो देख लिया आपने, दरअसल लालू यादव सिंगापुर में है। सिंगापुर में उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट होना है और ये वीडियो सिंगापुर से ही आया है। बिटिया ने शेयर किया है, रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की नंबर दो बेटी हैं, दूसरी बेटी हैं, और वो अपने पापा को किडनी डोनेट करने वाली हैं। पापा जब सिंगापुर पहुंचे तो बिटिया ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और ये जो मौका बिल्कुल भावुक कर गया। बिटिया ने ट्वीट भी किया है, भावुक करने वाला ट्वीट किया है। रोहिणी आचार्य जो बिहार की सियासत में भी बड़ी पकड़ रखती हैं, हमेशा चर्चा करती हैं बिहार की सियासत की, और अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ अक्सर सिंगापुर से ही खड़ी नजर आती हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के लिए ये क्षण भावुक करने वाला है क्योंकि वो पापा के लिए अपना किडनी डोनेट करने वाली हैं। पिछले दिनों उन्होंने भावुक ट्वीट्स किए थे और ये जो तस्वीर आई है बिल्कुल ही भावुक करने वाला है। तो ये तस्वीर आप फिर से देखिए और जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है वो आपको बताते हैं। तो वीडियो के साथ जो उन्होंने भावुक ट्वीट किया है उसमें लिखा है रोहिणी ने कि खुशी का हर लम्हा होता है पास, पिता का साया जो होता है साथ। फिर से पढ़ूं, खुशी का हर लम्हा होता है पास, पिता का साया जो होता है साथ। आगे उन्होंने लिखा है कि हर मुसीबत से लड़ना हमें है सिखाया, गरीब वंचित शोषित समाज को जिन्होंने अधिकार है दिलाया। तो रोहिणी आचार्य ने ये ट्वीट किया है पापा के लिए, पापा की का पैर छूकर आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं। पापा के लिए वो बिल्कुल भगवान की तरह खड़ी हुई हैं। सिंगापुर में पापा का किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना है और रोहिणी आचार्य ने ये ठान लिया कि उन्हें किडनी देना है, और किडनी उनका मैच भी कर गया सबसे ज़्यादा पापा के साथ। पापा की किडनी को ज़रूरत है, पापा को किडनी की। तो अब बेटी बिल्कुल तैयार है। और उन्होंने फिर से जो कुछ लिखा है हम बताएं। जो अगला लाइन उन्होंने लिखा है कि हर मुसीबत से लड़ना हमें है सिखाया, पापा के लिए वो कह रही हैं कि उन्होंने जिन्होंने हमें हर मुसीबत से लड़ना सिखाया, अब उसी पापा को वो उस मुसीबत से निकाल रही है बिटिया, जिसे पापा ने सिखाया मुसीबत से लड़ना, और अब पापा मुसीबत में है, पापा की को किडनी की ज़रूरत है। तो बिटिया ने पापा को किडनी देने की ठान ली है। ये किडनी का ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होना है सिंगापुर में, लालू यादव वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने जो लिखा है कि हर मुसीबत से लड़ना हमें है सिखाया, गरीब वंचित शोषित समाज को जिन्होंने अधिकार है दिलाया। तो लालू यादव बिहार के बड़े नेता हैं, गरीब वंचित शोषित समाज को अधिकार दिलाया है उन्होंने, ये जग जाहिर है। जन जन के नेता हैं लालू यादव। तो ऐसे में लालू यादव की बातों को शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य भावुक नजर आ रही हैं, और साथ ही साथ राबड़ी और देवी और मीसा भारती भी सिंगापुर में हैं, वो भी दिख रही हैं वीडियो में। और लालू यादव व्हीलचेयर पर हैं, सिंगापुर एयरपोर्ट की ये तस्वीर है, और लालू यादव भी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों आपको बताएं कि रोहिणी आचार्य ने जब फैसला लिया था कि पापा को वो किडनी देंगी अपना, तो उन्होंने लिखा था, एक पोस्ट किया था, भावुक पोस्ट था वो भी उस वक्त करने का। उन्होंने लिखा था किडनी डोनेट करने के फैसले पर, जो उन्होंने लिखा था कि एक मांस का टुकड़ा भर है, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप सब दुआ कीजिए कि सब बेहतर तरीके से हो जाए और पापा फिर से आप सभी लोगों की आवाज़ बुलंद करें। तो बिटिया के लिए भावुक होने का वक्त है क्योंकि बिटिया ने पापा से जो सीख ली थी, पापा ने जो लड़ना सिखाया था, उस बिटिया ने अब जो है मुसीबत से जो लड़ना सीखी थी, उस पापा से उसने सीख ली थी, अब उसी मुसीबत से पापा को निकालने के लिए बिटिया ने ठान ली है, और निश्चित ही ये बिल्कुल भावुक क्षण है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।